वो मखलूक यहाँ तक आ गई थी, ये जी हाँ यहाँ बाहर आ गई थी वो। असल में मुसलसल अंदर जो है ना कोई ऐसी मखलूक अंदर इस वक्त बैठी है, और जैसे वो रो रही हो, दर्द तकलीफ़ में होती है ना, अमूमन हम इस तरह की आवाज़ें सुनते हैं इन मखलूकात की, अभी भी ऐसे ही लग रहा है। वो तो संदी हम उस दीवार के जो है वो पार खड़े थे उस वक्त, और वो मखलूक यहाँ से वो निकली थी और वो भागती हमारे पीछे आई थी। दरवाज़ा अंदर कौन है? ये बोतल, शायद कोई बोतल लगी आके दरवाजे में। सुबह कौन है अंदर? किसी ने कैद किया तुम्हें इस कमरे के अंदर? जैसे कोई अंदर तकलीफ में है बिल्कुल। कैमरे में देखना शायद रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्या है? कोई आसपास भी है सर भाई, इधर पीछे भी कोई चीज़ आ गई। आसपास भी है, क्या तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दें हम? एक चीज़ और देखें शरीफ भाई, वो सामने जैसे उसे हिसार करके अकील कर जैसे भी है ना ब्लैक मैजिक से बंद किया हुआ है, वो तो देखना प्रॉपर किया गया और कोई कपड़ा वगैरह इस्तेमाल किया गया असद भाई। अच्छा देखने में असद भाई ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ही कोई पुराना कपड़ा हो, पुराना हो ठीक है, और उसके थ्रू जो है ना वो बांधा गया अच्छा है। इसकी आप ताकत चेक करें जिसने भी किया है उस जादू की, के हालांकि नीचे से रास्ता भी है जाने का, तो उसने वो रास्ता नहीं बंद किया। अगर ये डोर ना भी होता ना शायद फिर भी वो, उसने क्या करना था, उसने अपने जादू के ज़रिए ना इसे जो है वो बंद कर देना था रास्ते को। तो शरी भाई ऐसे ही हुआ है, ये नहीं कि हम सोचे कि खुला हुआ है हम नीचे से चले जाएं, उसके अंदर इन्होंने कोई ना कोई हदूदबंदी की हुई है। बिल्कुल, और ये सवाल असर भी अक्सर दोस्त भी करते हैं कि जी वो दरवाजे से बाहर भी तो आ सकती है, ठीक है, ये सिर्फ एक सम टाइम ऐसा होता है, आप दोस्तों को बता दें कि सिर्फ एक डोर ही ऐसे बांधी डोर होती ऐसे है, ही वो भी एक हिसार ही होता है। हवा में वो भी कई मखलूक तरीके के जी शरीबी होते हैं, जैसे कि ये खाली रास्ता है ना, कोई डोर नहीं, यहाँ पर वो जो है वो दुआओं से हिसार बांध देंगे, कोई भी चीज़ जो है अंदर नहीं आ अंदर सकती, नहीं आ सकेगी तो ये भी होता है, कई तरह के होते हैं जी हाँ। हिसार जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिन्नातों को, आप ये नहीं कह सकते आप चार दीवारी में कैद कर दें तो वो आप कहें ऊपर छत है इधर चार दीवारी, वो नहीं आ सकते, वो तो आप दीवार के अंदर से भी आ सकते हैं, पर ये कैद होते हैं इन दुआओं से, ये जो अलग अलग तरीकों से अलग जो है अलग वो कैद तरीकों से करते हैं, बिल्कुल। कोई अब नूरी ये भी से कर लेते पॉसिबल हैं। हो सकता है असल भाई कि यहाँ पर भी एक हिसार बांधा गया हो कि सकता है जो क्योंकि भी अभी अभी के अंदर जाए उसे जो है ये वो भी हो नुकसान सकता हो। है। ये देखें तो ऐसे जैसे कुछ जोर से सांस लेता है, जैसे भूख बुखार होती है ना लंबी सी, तो ये अपने इर्द गिर्द जो है इस कमरे के अंदर तो है ही, बाहर भी है शायद भाई ये इस चमगा एरिया के अंदर। ओ ये देखो अभी आप दोस्तों को बता दें जी कि हमने ये बाउंड्री जो है वो क्रॉस नहीं की अभी,
हिसार की बात इसीलिए हमने की है, इसीलिए ये मैं यार ये साथ वाला कमरा जो है वहां साथ से वाले रूम यार, ये सीधा दिल के ऊपर आकर लग रही है आवाज, जैसे कोई गुस्से में जो है वो सांस लेता है ना ऐसे ही। ये देखा सब भाई, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई दे रही है, अजीब ही, जो पहले कभी नहीं सुनी। ये अंदर क्रॉस करें इसको फिर। चलें तो अल्लाह का नाम लेके के बिस्मिल्लाह रहीम, ध्यान से या अल्लाह खैर। ये तो बाहर आ रही है यार, जैसे ही अंदर पहुंच जैसे ही हम, हाँ क्या लगता है कि क्या हो सकता है यार, अजीब ही। यार आपने नोट किया, जैसे आपने अंदर पाँव रखा ही है ना, वो तो एकदम से जैसे वो बाहर आ रही हो। ऐसा ही है यार, कैमरा मैंने इधर ही रखा हुआ है सीधा स्टोर के ऊपर, जो कोई भी भाई चीज़ कोई हो रिकॉर्ड हो कोई जाए। एक मखलूक कैद नहीं है, एक नहीं है कैमरा शेरी भी भाई, इधर भी है, उधर उधर भी से है। भी आवाज आ रही है, यहां से ऐसे एक कोई रो रहा हो। एक रो रही है और एक जो है वो सांस ले रही है और एक जो है गुस्से से जैसे बनता। बिल्कुल ऐसी आवाजें आ रही हैं, तीन चार किस्म की मखलूकात हैं, इधर भी उधर भी, पीछे दरख्त जो हमने आपको दिखाया है दोस्तों को, उस पर भी। ये नीला दरख्त है, अल्लाहू अकबर। मैंने तो सद भी अभी दायां पाँव अंदर रखा है, पाँव रखते ही आपने ये हालत देखी है इस दरवाजे की। ये तो मैं वही मैंने फौरन आपको बोला कि वो बाहर आ रही है, शायद हो सकता था कि आप थोड़ा सा और आगे जाते तो वो आपके ऊपर कोई ना कोई जो है वो अटैक कर देती। बिस्मिल्लाह, जाने से पहले एक बार ये ना दिखा दे, उधर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ घड़े हैं जो टूटे हुए हैं, ये देखें, ये देखें यहाँ पर, जैसे कि वो मैजिक ही इनके ऊपर करते हैं। मटके वाले कहीं जादू यहाँ पर भाई, मुझे तो लग रहा है कि अगर जिस तरह यहाँ पर ये है ना, ये मटका टूटा हुआ है। अच्छा आवाज़ भाई इसी यहीं से आ रही थी, वो सांस सांस लेने की लेने की, अजीब सी आवाज़। और ये तो सांस, मैं कहता हूँ कि इंसान क्या, जैसे बहुत बड़ी कोई चीज़ हो ना, इतने ज़ोर से सांस ले तो बंदा अगर उसके पास हो ना, बिल्कुल पास हो, तो आपके कानों में दर्द होना शुरू हो जाए। इनके अंदर देखने शुरू में कोई चीज़ तो नहीं रखी हुई, क्योंकि अक्सर जो है वो ऐसा तो इधर कुछ भी नहीं है। ये ये भी मटका देखें, टूटा हुआ है, ये देखें ना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना वो ये शक पैदा करती हैं। अब ईंट का बनता है यहाँ पर, और वो ऐसे ही देखें जो है कैसे निकली हुई है और जली हुई है वो ईंट। जली हुई है, और देखें ये मट्टी का बना हुआ है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ना, ये सारा जो है दीवार, और इसके अंदर जैसे कोई चीज़ रख के ऊपर ईंट रख दी हो, वो भी जली हुई। डर असद भाई इस चीज़ का है कि हिसार अभी हमने किया नहीं है, हाँ जी, हिसार कर लेंगे तो पता नहीं वो चीज़ जो है वो चीज़ फिर उस तरह हमें रिकॉर्ड हो या ना हो। अभी शरीफ भाई फ़ायदा नहीं है, अगर हिसार कर लिया ना तो वो चीज़ बिल्कुल थम जाएगी और जो फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल,
ये कुतना जो एक पुराना सा कोई है, किसी का दुपट्टा जो है उसको इस तरह जो है वो शेप देकर जो यहाँ पर बांधा गया है, समझ से बाहर है। बाकी ये आप दोस्त देखें जी, आप दोस्त बताएं कि क्या हो सकता है। मुझे तो सिर्फ ये कोई दुपट्टा या कोई चादर लग रही है। एक चीज़ और देखें, वाइट कलर का जो है वो दुपट्टा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ब्लड लगा हुआ है, देखना वो से। ये देखें, ये अब ऐसे ही लग रहा है क्योंकि बहुत तो ये पुराना हो चुका है, इसलिए ऐसे लग रहा है। और मुख्तलिफ असद भाई यहाँ पर ये देखें, ये वाली इसके अंदर हो सकता है कोई कोई चीज़ उड़ी है यार यहाँ से। तो फिर कौन है, देखो सामने आ सकते हो। इससे पूछ लेते हैं, बात करके देख ले, नहीं तो अंदर से ना दिखा दें। मैं कहता हूँ चारों तरफ ऐसे करता हूँ ध्यान से। कौन है अंदर, तुमसे बात कर सकते हो? क्योंकि ये बहुत सख्त कीला हुआ है, क्योंकि ये जितना ओल्ड होता है उतना ही ज्यादा जो है वो ताकत से उसके ऊपर जादू किया होता है। ये अंदर अंदर है कोई ऐसा भाई। क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या ये दरवाजा खोल दें हम? भाई इसका मतलब चार ये का दरवाजा खोल दें। ओए होए होए होए, वाकई में ये जो जगह है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जगह है जी, कोई ताकतवर कोई काला जादू किया गया है, जिसकी वजह से वो मखलूक जो है वो इसे बाहर नहीं निकल पा रही। ठीक है, और अंदर जो है वो जैसे कोई अजियत में हो ना। यस ध्यान से ध्यान से। ओए ओए अल्लाह, ओए ओए कैच, अस्तगफिरुल्लाह यार, ओए वो किच गया। ओए शेरी भाई, भागने किच गया भाई पीछे। बच गए यार, आपका चीज खींच के ले गई अंदर ऊपर से। अल्लाह अकबर, हुई 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 यार, यार कोई चीज उसने मेरा बिल्कुल क्लियर यार, मैंने खुद जो है अपनी आंखों से देखा है आपको, कोई चीज अंदर पकड़ कर खींच कर ले गई है। ओए मुझे असद भाई पूरा शोल्डर और बाजू उसने पकड़ के ऐसे, मैंने पूरी ताकत से खींचने की कोशिश की, यहाँ पर झटका सा मुझे लगा है शोल्डर पे भी। ओए ओए ओए, आपने कुछ देखा है अंदर? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया भाई। आप खींचते हुए आपकी बकायदा टांगे जो है आपकी खींची जा रही हैं, आप अंदर जाए जा रहे हो, मैं जो है वो
उसके डर से जो है वो जो कीला हुआ था ना, मैंने कहा कि मैं उसको जो है वो कोई हाथ लगाऊं, ये ना हो के ऊपर मेरे ऊपर कोई अटैक ऐसा कर दे, आपको तो नुकसान जो है अंदर वो पहुंचाएगी, साथ में जो है मुझे बाहर पहुंचा दे आपको अंदर, तो दोनों को बचाने वाला कोई ना हो। तो आप अंदर कैसे आए? मैंने वो उसको मारा है, वो जो दरवाज़ा है उसको मैंने ज़ोर से मारा है तो वो खुल गया, मैं फिर अंदर दाखिल हो गया। असद भाई कोई गलती तो नहीं होगी हमसे यार? इसका नहीं पता, मैंने तो शायद भी कुछ नहीं देखा, आप अंदर ले गई, मैंने जैसे कैसे भी अंदर मैं सीधा, अब जो भी हिसार था टूट गया नहीं टूटा अब उसका नहीं पता। ये तो यार याद आ गया, अंदर तो देखें वो आपको बचाने के चक्कर में, ये देखें अंदर देखें, अकबर ये मेरी नज़र पड़ी थी इसके ऊपर, सब ये तो मटके वाला जादू हुआ हुआ है, वो मटका लटका हुआ है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अकबर, सांस ही नहीं आ रही। सर भाई अभी ज़्यादा यहाँ से थोड़ा कोई लफ्ज़ ही नहीं मिल रहा यार, क्या बोलूँ मैं। ठीक है पिछते हूँ यार दरअसल भाई, पता नहीं ऐसा क्या निज़ाम उस उन बंदों ने आकर किया है, किसी चीज़ को तो कैद किया ही हुआ है, लेकिन ये जो अभी असद भाई देखा है ना हमने जी। जूता अब वो जैसे किसी बच्ची पर जो है वो काला जादू किया गया, ये ऐसे ही है जिस तरह है वो भी मैं बोलने ही लगा था कि किसी बच्ची के इतना सा जूता है किसी बच्ची के ऊपर हुआ हुआ है। असद भाई अगर बच्ची पर चले ठीक है, ये समझ आ जाती है जी कि वो जो जूता है वो एक बच्चे का, वो तो साफ नज़र आ रहा है ना, अब उस घड़े के अंदर ऐसा क्या है? ये भी राज की बात है। और एक बात और भी आती है, जबकि ये करता ही ब्लैक मैजिक है, ये भी हो सकता है अलग अलग बंदों के ऊपर किया हो, मटके में किसी और के ऊपर किया हो, जूते के ऊपर उस बच्ची के ऊपर किया हो, शायद अंदर हम जाएं कुछ और भी हमें मिल सकता है, ये भी है। ये भी असल भी पॉसिबल है कि शायद एक बच्चे पर किया गया हो या किसी ऐसे शख्स पर, यानी कि उसकी वालदा या उसके बाप पर, ठीक है ना, वो हो सकता है। बाकी ये तो अब उस मटके को खोला जाए तो ही पता चल सकता है कि जादू जो है वो किस पर किया गया है। एक तो कन्फर्म है कि बच्ची पर है या बच्चा है, ये तो बाकी जाकर देखते हैं हम। अल्लाह ध्यान से यार, पहले बहुत बुरी तरीके से आपको खींचा उस चीज़ ने। असल भाई ये जो कपड़ा है ना, ये है फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेडीज़ कपड़ा, लेडीज़ तो हो सकता है कि बच्ची और या बच्चा या उसकी माँ पर जो है ना जी वो हो सकता किया गया हो। देखें ना आप दोस्तों को भी नज़र आ रहा होगा, वो बिल्कुल छोटा सा जो है शूज़ पर लटका हुआ है। अच्छा यहाँ पर असल भी है, नीचे भी है कपड़ा पड़ा। ये भी जैसे कह रहा हूँ शायद भी हम अगर अंदर जाकर देखें शायद हमें बहुत कुछ अंदर से मिल सकता है। ये जो अंदर है सारा वो शोपर पड़े हैं, ईंटें पड़ी हैं और भी कुछ बहुत सब बहुत कुछ नज़र आ रहे हैं। भी मैं ना यहाँ से ऐसे मैंने इधर दिखाया है, मेरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना बाजू अंदर खींच हुआ है और मुझे प्रॉपर कोई चीज़ अंदर को खींच रही है और वो इस तरफ लेकर जा रही है। मुझे नहीं पता कि इसके ये बाएं हाथ इधर क्या ऐसा है क्या नहीं है, मुझे इस साइड पर लेकर जा रही है लेफ्ट पे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपने एक चीज़ नोट की है असद भाई, जैसे ही आप ये दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आए हैं जी, वो अब वैसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं है हुई नहीं दोबारा? ये तो नहीं कहीं वो हिसार टूट गया हो या वो मखलूक बाहर आ गई हो,
यही असर भाई मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई मेरे वो फौरन इसलिए दिमाग में भी यार कोई हमसे गलती ना हो गई हो, क्योंकि आप तो मुझे बचाने के लिए अंदर आए हैं ना। ऐसे ही अगर अगर शायद आप ये दरवाज़ा ना तोड़ते तो वो चीज़ तो पता नहीं मुझे, ये जो भी उसने है। तो ले गई थी मुझे यहाँ इधर किधर, और बिल्कुल अजीब सा ही जो है वो हालत हो गई थी मेरी। अल्लाह खैर करे जी। सब यहाँ पर ये जेंट्स कपड़े भी हैं, ये देखें यहाँ पर ये कुछ बाल पड़े हैं, और बहुत कुछ शहरी भाई यहाँ पर पड़े हैं। ध्यान से बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ध्यान से ध्यान से। अल्लाहु अकबर, ये देखें ये मटका इन्होंने जो है वो, ये देखें कि शहरी भाई ये देखें इधर आए, इधर से नज़र आ रहे हैं शायद, ये देखें उसको बंद किया हुआ है शॉपर जी लगा कर, हाँ इसका मतलब इसके अंदर। ओए यार शहरी भाई ध्यान से यार, ये सर लग गया आपका। लगा यार मुझे हसन भाई, मेरा दिमाग नहीं इस वक्त जो है ना वो प्रॉपर साथ दे रहा यार, वो चीज़ मुझे इधर लेकर जा रही थी। यहाँ पर आप ये देखें वो खून लगा हुआ है किधर? वो सामने, वो देखें ये देखें ये दीवार के ऊपर। किधर गया ये? वो देखें वो बाल पड़े, ये बाल ये पड़े दीवार पे हैं, देखें ये खून ये लगा हुआ ब्लड है, लगा हुआ है, और ये देखिए यहाँ से बकायदा खोदा हुआ है। खोदा हुआ है, ठीक और है। वो चीज़ मुझे इधर ही लेकर आ रही थी। वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम जब अंदर जाएंगे, ये देखें शायद इधर भी, इधर उससे भी खोदा हुआ है, मतलब ये इसमें अलग अलग वो जो है रूम्स के अंदर जी ना हाँ जो है वो, ये देखना ये है, ये क्या लटका हुआ? ये ये देखिए यार ये ये देखिए चक्कर लगाए जा रही शहरी भाई, ये तो ये यार ये चक्कर क्यों लगा रही हमारे? असल भाई इस कमरे के अंदर इस तरह इस चमगादड़ का नज़र आना, और ये देखें ये रिकॉर्ड भी गोल हो रही चक्कर है। में हमारे हाँ ऊपर हाँ से। हाँ बिल्कुल यार इसे कोई डर नहीं है। क्या मखलूक हो तुम? यार ये शहरी भाई है कोई, ये चमगादड़ अगर नहीं है। मखलूक हो तो यहाँ से यार चली जाओ। मेरा सर भारी हो गया बहुत ज़्यादा, आपका हुआ है जैसे? ये क्या गिरा है? किधर गई है? ये क्या हुआ? आपने अभी बोला है कि मखलूक को चली जाओ, वो चली गई। अस्तगफिरुल्लाह, यार ये तो बहुत बड़ा साइन दे कर गई है, पहले नहीं गई, पहले कैसे घूम रही थी? वे ध्यान से यार ये क्या है? अल्लाहु अकबर। क्या यार हाथ शरीफ भाई, ध्यान से यार। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह। ओए शहरी भाई इधर, अल्लाहु अकबर। ओए ओए भी इधर बैठ जाए। यार ये क्या हो गया आपको? इधर से निकले, बाहर आए। बाहर आए बाहर आए, ये यार आपके मुंह से ब्लड आ रहा है। ओए यार खून आ रहा है यार,
ये मुझे कैमरा दे यार, इतना ब्लड, अल्लाह हू अकबर।